कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको जैसे कि खांसी या फिर जुकाम हो जाता है तो आप किस तरीके से है जो कि घरेलू तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं, और मेडिसिन को अवॉइड करके, और जैसे कि घर का काढ़ा बनाकर आप है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर है जो कि खांसी और जुकाम को है जो कि दूर कर सकते हैं। वैसे तो गाइस, जैसे कि अगर खांसी या जुकाम हो जाता है अपना टाइम लेकर जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम जैसे कि काढ़ा वगैरह लेंगे तो उससे है जो कि हमें काफ़ी आराम मिलता है और हमारी बॉडी है जो कि काफ़ी रिलैक्स फील करती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर जितना हो सके हमें मेडिसिनों को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको आज एक काढ़ा बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप अपनी खांसी या जुकाम को है जो कि वो दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है और उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा अदरक है जो कि वो क्रश कर लीजिए, और उसके बाद उसके अंदर 3-4 पत्ते हैं जो कि तुलसी के लीजिए, उसको अच्छे से बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद आप उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसके अंदर आप हैं जो कि आधा नींबू है जो कि वो निचोड़ लीजिए, उसका रस उसके अंदर डालना है, और उसके बाद आप उसके अंदर है जो कि थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए। और इस तरीके से हमारा जो काढ़ा है वो बनकर तैयार हो चुका है, और उसे आप एक बोतल में भर कर रख लीजिए, और उसके बाद आप दिन भर उसे सिप सिप करके या थोड़ा थोड़ा करके है जो कि लेते रहिए। और इस तरीके से आपको है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर खांसी और जुकाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प और राहत मिलेगी, और आप है जो कि काफ़ी अच्छा फील करोगे। तो गाइज़, ये थी मेरी छोटी सी नुस्खा। और या फिर जैसे कि अगर आपको खांसी ज़्यादा हो जाती है तो आप मुलेठी भी ले सकते हैं, थोड़ी सी मुलेठी लीजिए और उसको अपनी जेब पर रखिए, और उसका जो रस है वो धीरे धीरे अंदर लेते रहिए। तो उस तरीके से भी आप है जो कि अपनी खांसी को प्रेगनेंसी के टाइम पर है जो कि दूर कर सकते हैं। गाइस, ये थे छोटे छोटे से घरेलू जिनके द्वारा आप अपनी खांसी या जुकाम को ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।